कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी है, तो इसमें अगर आप फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को जोड़ करके अगर देखना चाहेंगे तो मार्गरेट मैलर को भी आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी में. दैट इज बाय द आइडिया दैट द प्रीवियस रिलेशनशिप्स लीव लास्टिंग ट्रेसेस व्हिच अफेक्ट सेल्फ एस्टीम एंड मे रिजल्ट इन मैलअडैप्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. आपका अगर ऑब्जेक्ट रिलेशन है और वो अगर कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, इन दैट केस आपके अंदर एक मैलअडैप्टिव बिहेवियर जनरेट हो सकता है. बाय द टाइम यू आर कंप्लीटिंग योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आप जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट रिलेशन कंप्लीट करते हैं तब तक के लिए आप एक मैलअडैप्टिव बिहेवियर में रह सकते हैं. फिर इसको पूरा करवाने के लिए कभी कभी आपको साइकियाट्रिस्ट या फिर थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है. यहाँ पे रोल ऑफ काउंसलर क्या होता है? टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफरेंस गिविंग द क्लाइंट अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड एक्सेप्टेंस. अगर एरिक एरिक्सन की बात करें तो जब आप बच्चे थे आपका ओरल स्टेज पूरा नहीं हुआ, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट रिलेशन था वहां पे ओरल स्टेज से वो पूरा नहीं हुआ, तो आप उससे माल एडेप्टिव बिहेवियर आ जाएगा बाद में, और आप चूज ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे थे मुंह में डालने के लिए या अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, फिर उसकी जगह पेन ले लेगा या लकड़ी ले लेगी या अंगूठा ले लेगा, तो माल एडेप्टिव बिहेवियर के रूप में देखा जा सकता है. कुछ लोग कहते हैं, there are some thinkers जो कि इसको मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि environmental effect होता है, some other says that जिसने जैसे study किया उसने उस तरीके से देखा है. ताजफेल कहता है कि social identity theory के अंदर reference groups का role होता है. बैंडुरा कहता है कि modeling का role होता है, आप अपने society में जो जैसे models देखेंगे आप वैसे ही उसको follow करेंगे या अपनी family में. So it depends. The client freely explore difficult material and experiences from their past, gaining insight and working through the unresolved issues. आपका जो past है उसमें जाकर के आप ढूंढते हैं कि कौन सी स्टेज के ऑब्जेक्ट रिलेशंस आपके कंप्लीट नहीं हुए, और फिर आप unresolved issues को सॉल्व करते हैं. इसमें आपकी जो हेल्प करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है आपका थेरेपिस्ट या आपका काउंसलर. The counselor is an expert who interprets for the client. आपको जैसे मैंने बताया कि एनालिसिस प्लस इंटरप्रिटेशन यही तरीका है यहां हमें सॉल्यूशन को प्राप्त करने का, तो काउंसलर क्या करता है? काउंसलर इसका इंटरप्रिटेशन करता है. इस थेरेपी में कुछ बड़े ही सर्टेन से गोल होते हैं, हेल्पिंग द क्लाइंट टू ब्रिंग इनटू द कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस. हाँ, मैंने शायद गलत पढ़ दिया, इनटू द कॉन्शियस द अनकॉन्शियस. जो अनकॉन्शियस होता है उसको कॉन्शियस तक लेकर के आना, यानी प्रोसेस कौन सा है? कैथारसिस, राइट? अगर ये अपने आप होगा तो क्या कहलाएगा? पॉपअप कहलाएगा. जी बताएं, मैं खाना खाऊंगा एक घंटे के बाद. तो जो पेपर पॉपअप होता है, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यू के रूप में आता है, वो पेनफुल होता है, तो एक परमानेंट रिजल्ट के रूप में कैथारसिस करवाया जाता है. एंड कैथारसिस हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है ना? बाय अंडरस्टैंडिंग योर अनकॉन्शियस in your conscious state of mind, helping the client work through a developmental stage that was not resolved or where the client became fixated. किसी एक पर्टिकुलर स्टेज से आप फिक्सेटेड हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त की जो समस्या थी वो रिजॉल्व नहीं हुई, तो उस समस्या को रिजॉल्व करके और आपको आगे लेकर के जाना, that is therapy's goal. To reconstruct the basic personality. ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, जिसमें कि आपको रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है
बेसिक पर्सनैलिटी को, ये भी किया जा सकता है बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू असिस्ट। इसमें एक चीज बता देता हूं आपको, मार्गरेट महलर की अगर बात करें तो वो कहती है कि बहुत सारे पिलर्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के, जो आप अपने इमोशनल साइको इमोशनल पिलर्स क्रिएट करते हैं। इन सारे पिलर्स को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है तो पूरी पर्सनैलिटी को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। टू असिस्ट क्लाइंट इन रिलीविंग अर्लियर एक्सपीरियंसेस एंड वर्किंग थ्रू रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे जहन में बहुत सारे रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनको रिजॉल्व करना और उनसे बाहर आना, यह हमारा उद्देश्य होता है। टू अचीव इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, यानी आप समझ ही रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करके और एक इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस तक पहुंचने का काम कौन करता है? थेरेपिस्ट करता है। हैव द क्लाइंट एडजस्टमेंट टू द डिमांड्स ऑफ द वर्क एंड इंटीमेसी एंड सोसाइटी। बहुत सारे केसेस में जब आप रिलेशनशिप्स के जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी जो वेल गोइंग होती है, इन सारी चीजों को प्लान करने का काम कौन करता है? थेरेपिस्ट करता है एज फार एज साइकोएनालिसिस। परसों करेंगे ये वाला काम।